What's up guys, very happy new year to all of you. कैसे हैं आप सभी? तो नए साल देखिए, अच्छा अच्छा काम करना चाहिए नए साल, तो अच्छे विचार के साथ प्रारंभ कीजिएगा नए साल को. तो वैसे ही देखिए, हम भी अच्छे अच्छे वीडियोस बनाएंगे आपके लिए, ट्यूटोरियल्स हो, मोबाइल रिलेटेड फोटोग्राफी टिप्स हो, वीडियोग्राफी के रिलेटेड हो, या फिर सिनेमाटोग्राफी का रिलेटेड हो, या फिर DSLR टिप्स एंड ट्यूटोरियल्स, नए प्रोडक्ट्स का रिव्यू हो. बहुत ही अच्छी तरीके से मैं आपको अनबायस्ड रिव्यूज दूंगा. तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके ज़रूर बने रहिए. एंड देखिए, आज का न्यूज़ ये है कि Vivo Nex Dual Display एडिशन. तो Vivo ने ऑलरेडी एक्चुअली ड्यूअल डिस्प्ले वाला लॉन्च कर चुका था, यानी कि स्नैपड्रैगन 845 के साथ, यानी कि जो फ्लैगशिप मॉडल रहता है, बिल्कुल वही फ्लैगशिप के रिलेटेड पार्ट्स लगाकर. 8GB रैम का था, प्रॉब्ली 8GB नहीं 10GB रैम का था. तो वैसे वाला वर्शन ऑलरेडी ड्यूअल डिस्प्ले के साथ लॉन्च कर चुका था, लेकिन उसी को एक्चुअल में अभी प्रोडक्शन में लाकर अलग अलग डिफरेंट बजट्स में भी लागू करेंगे. तो वैसे ही Vivo Nex A जल्द ही आने वाला है. एंड Vivo Nex A में ड्यूअल डिस्प्ले, एक तो सामने बहुत बड़ा डिस्प्ले रहेगा विदाउट एनी बेजल्स, अगर बेजल्स होगा तो भी नेग्लिजिबल बेजल्स होगा. तो वैसे सामने फुल डिस्प्ले ही रहेगा. एंड बैक साइड जो है प्रॉब्ली तीन कैमरास लगेंगे, जैसे कि एक 13 मेगापिक्सल का, एक 12 मेगापिक्सल का एंड 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर. देखिए, ज़्यादा लोगों को पता नहीं, अगर आपके मोबाइल में ड्यूअल कैमरा सेटअप है तो प्रॉब्ली एक तो कैमरा होगा एंड अनदर वन इज डेप्थ सेंसर, यानी कि एक्चुअल में कैमरा नहीं रहेगा, तो वो कैमरा इन कंजंक्शन विथ अदर कैमरा, जो प्राइमरी कैमरा रहता है, फोटोज क्लिक करते हैं, वीडियो निकालते हैं हम, उस कैमरा के साथ कैसे सॉफ्टवेयर एल्गोरिथम्स लिखकर आपको बैकग्राउंड ब्लर करना है या फिर डेप्थ ऑफ फील्ड क्रिएट करना है, वैसे एक्चुअली वो कैमरा में सॉफ्टवेयर लिखकर इन कंजंक्शन विद प्राइमरी कैमरा वो वर्क करता है. ऐसा नहीं कि सेपरेट से अलग से वो भी कैमरा वर्क करेगा, ये भी कैमरा वर्क करेगा, ऐसा नहीं. तो नॉर्मली ड्यूअल कैमरा सेटअप मतलब वैसा रहता है. लेकिन अभी अभी रिसेंटली लॉन्च जो किए हैं, सैमसंग का A7 हो, A8S जो आने वाला है, या फिर A9 हो क्वाड कैमरा के साथ, वैसे मोबाइल्स में एक्चुअल में दो कैमरा है, लेकिन द थर्ड वन कैमरा, जो ट्रिपल कैमरा कहते हैं ना, थर्ड कैमरा जो है वो फिर से डेप्थ सेंसर है, वो कैमरा वर्क नहीं होगा. वर्क कैसे होगा? अंदर से वर्क होके सॉफ्टवेयर के साथ, वो दो कैमरास जो रहते हैं उसके साथ वो वर्क करके आपको बैकग्राउंड ब्लर कैसे आना चाहिए. अभी आप कुछ भी कैप्चर करने वाले हैं तो ऑब्जेक्ट कैसा रहता है उसी के हिसाब से उसको शार्प बनाकर बैकग्राउंड कैसे डेप्थ लाए, तो वो वाला डिसाइड करेगा. देखिए, अगर आपके पास अभी ऑनर 7A है तो उसमें ड्यूअल कैमरा सेटअप है, तो ड्यूअल कैमरा सेटअप मतलब एक तो डेप्थ सेंसर रहता है एक कैमरा में, और एक कैमरा से एक्चुअल में पिक्चर्स कैप्चर करते हैं, वीडियोस निकालते हैं. ये ज़्यादा लोगों को पता नहीं था. बहुत लोग मुझे पूछते हैं कि ड्यूअल कैमरा है इसमें तो और एक कैमरा वर्क नहीं हो रहा है, कैसे वर्क करे? तो वैसे वर्क नहीं होगा, वो अंदर ही अंदर वर्क करके प्राइमरी कैमरा के साथ आपको पिक्चर्स निकालने में मदद करेगा, बस उतना ही. अभी Vivo Nex Dual Display एडिशन में भी वैसा ही होने वाला है. दो कैमरास रहेंगे, प्रॉबेबली एक 27-26mm का वाइड एंगल कहते हैं वो वाला लेंस रहता है, एंड अनदर वन अल्ट्रा वाइड तो होगा, नहीं तो टेलीफोटो होगा. अभी तो डेफिनेटिवली डिसाइड नहीं हुआ है, तो होपफुली शायद मुझे लगता है कि टेलीफोटो का लेंस लगाएंगे. तो एक तो 12 मेगापिक्सल प्राइमरी होगा, 13 मेगापिक्सल का टेलीफोटो होगा, और एक 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर. वैसे ही 3400 mAh का बैटरी मिलने वाला है उसमें. एंड देखिए, ड्यूअल डिस्प्ले, जैसे कि मैंने कहा, एक तो सामने फुल स्क्रीन होगा एंड बैक साइड जो है अलॉन्ग विद द रेयर कैमरास, जो 3 कैमरास रहता है उसके साथ, नीचे जो है फिर से आपको प्रॉबेबली अराउंड 5.4 इंच का स्क्रीन मिलेगा, एमोलेड स्क्रीन 1080p डिस्प्ले का. तो आप एक इनोवेटिव प्रोडक्ट समझ सकते हैं अलॉन्ग विद स्नैपड्रैगन 710 चिपसेट, यानी कि प्रॉबेबली 35-40,000 रुपीज़ रेंज में आना चाहिए Vivo Nex A. तो Nex S जो कि 10GB रैम का था, अभी Nex A शायद 8GB रैम लाएंगे इसमें. तो वेरी इंटरेस्टिंग डिवाइस है. देखिए, दो दो साइड आप डिस्प्ले यूज़ कर सकते हैं, तो प्रॉबेबली एक तो डिवाइस आप कैमरास के लिए यूज़ कर सकते हैं और एक डिवाइस आप अपने वर्क के लिए यूज़ कर सकते हैं. वैसे इंटरेस्टिंग रहेगा. एंड उसका वजन जो है 200 ग्राम्स है, थोड़ा थिकनेस भी ज़्यादा रहेगा. तो ऐसे डिवाइसेस अभी 2019 में यूनिक डिवाइसेस आने वाले हैं, तो आपको तैयार रहना पड़ेगा कि कैसे उसको यूटिलाइज़ आप अच्छी तरह से करें. तो वैसे ही और एक वेरी इंटरेस्टिंग न्यूज़ देखिए, Nokia 9 PureView यानी एंड्रॉयड 9.0 पाई का है, स्टॉक एंड्रॉयड के साथ आने वाला है. इसमें कुछ फीचर सेट, कुछ ऑप्शंस फंक्शंस इंटरेस्टिंग नहीं रहेंगे, लेकिन इसका सबसे इंटरेस्टिंग, सबसे बात करने वाला चीज़ है कि 5 कैमरा सेटअप. जी हाँ, आपने सही सुना, 5 कैमरास लगाएंगे अभी Nokia 9 के पीछे. तो मेरे हिसाब से आई थिंक एक तो अल्ट्रा वाइड एंगल का होगा, एक तो वाइड एंगल का होगा,
और एक टेलीफोटो का और एक डेप्थ सेंसर एंड अनदर वन इज़ HDR नाइट शॉट निकालने के लिए, मतलब कि आप अगर आप लो लाइट सिचुएशन में उस कैमरा से निकालेंगे तो प्रॉबेबली अच्छा पिक्चर्स आना चाहिए। एंड इवन ऐसे बोल रहे हैं कि 10 टाइम्स क्लियर शॉट मिलेगा नाइट मोड में, तो ऐसे वाला एक नया नाइट मोड लाएंगे नोकिया 9 में। तो नोकिया 9 प्योरव्यू स्टॉक एंड्रॉयड के साथ आ रहा है, कुछ एडवांटेज हो सकता है, कुछ लोगों के लिए डिसएडवांटेज, क्योंकि इसमें कुछ फीचर्स ऑप्शंस मिलने वाला ही नहीं, अदर देन द फैक्ट दैट 5 कैमरास मिलेंगे आपको। ऑफकोर्स नोकिया तो अभी फिलहाल बहुत ही अच्छे जो डिवाइसेस है लॉन्च कर रहा है, जैसे कि 8.1 है वो भी हिट हुआ है मार्केट में, लेकिन प्रॉब्लम इनका ये है कि देखिए स्टॉक एंड्रॉयड, पहले तो नोकिया अपना खुद का एक ऑपरेटिंग सिस्टम सिम्बियन OS और कुछ अलग सा सिस्टम लाया था, इसके वजह से फ्लॉप हो गया क्योंकि जल्द ही एंड्रॉयड सिस्टम में वो पकड़ नहीं पाए मार्केट एंड वो लागू भी नहीं किए थे एंड्रॉयड का, तो इसके वजह से एक्चुअल में फ्लॉप हुआ था। लेकिन अभी क्या कर चुके हैं, स्टॉक एंड्रॉयड लागू कर रहे हैं, तो धीरे धीरे हिट होने वाला है अभी नोकिया के डिवाइसेस, बिकॉज इनका जो कैमरा सिस्टम रहता है वो अच्छा रहता ही है, यूजुअली कार्लज़ेस लेंस यूज़ करते हैं इसमें सोनी का, तो ऐसे में कैमरा सिस्टम इनका सॉफ्टवेयर एल्गोरिदम भी हो वो अच्छा ही रहता है। लेकिन जो आपको यूज़र एक्सपीरियंस रहता है, यूज़र इंटरफेस जो कहते हैं, जैसे कि अभी सैमसंग का खुद का ऑपरेटिंग सिस्टम है, वैसे ही LG का खुद का है, तो ऐसे इवन आप ऑनर कर लीजिए EMUI करके उनका है, शाओमी का अपना खुद का ऑपरेटिंग सिस्टम है, यानी कि जो स्टॉक एंड्रॉयड लेकर उसके ऊपर जो फीचर्स डालते हैं वो अपना खुद नाम देकर, वैसे अलग अलग कंज्यूमर्स को जो एक्सपीरियंस बढ़ाने के लिए, मान लीजिए अगर आप 30,000 rupees पेयर कर रहे हैं तो वर्थ उसमें फीचर सेट जो रहता है वैसा रहना चाहिए ना, तो एक्चुअल में वो प्रोवाइड करते हैं। अगर आप स्टॉक एंड्रॉयड का लेंगे तो उसमें बिल्कुल बेयर बोन रहेगा, मतलब कि कुछ भी नहीं रहेगा उसमें, अदर देन ऑफकोर्स आप थर्ड पार्टी एप्लीकेशंस बाद में इंस्टॉल कर ही सकते हैं, लेकिन इसका ये भी एक डिसएडवांटेज हो सकता है कि आपको कुछ फीचर सेट नहीं मिलने वाला है आउट ऑफ द बॉक्स। तो ऐसे में नोकिया 9 भी वैसा ही रहेगा, प्योर एंड्रॉयड के साथ वेरी फास्ट सिस्टम तो ऑब्वियसली रहेगा, एंड 5 कैमरास जो है वो कैसे परफॉर्म करेगा डेफिनेटली टेस्ट करेंगे अगर आप इंटरेस्टेड है तो। तो ये दोनों वेरी इंटरेस्टिंग न्यूज़ था, 2019 में अलग अलग इनोवेटिव प्रोडक्ट्स ज़रूर आने वाले हैं, वेरी वेरी अफोर्डेबल प्राइजेस में भी होगा, एंड इवन पंच होल कैमरा भी अभी जो आप सुने होंगे मोबाइल्स लॉन्च हो चुके हैं, सैमसंग A8S हो, वावे नोवा 4 हो, पंच होल कैमरा यानी कि सेल्फी कैमरा, जो सामने कैमरा है यूजुअली सेंसर्स भी रहते हैं एंड थोड़ा बेजल रहेगा ना सामने, तो वो वाला कट करके अभी फुल स्क्रीन मिलेगा एंड जैसे हम पंचिंग मशीन से पंच करते हैं ना तो एक होल आएगा, तो वैसे होल में कैमरा लगाएंगे सेल्फी के लिए, तो अदर देन दैट बिल्कुल स्क्रीन ही स्क्रीन रियल एस्टेट उसमें रहेगा, तो ये भी एक वेरी इंटरेस्टिंग थिंग है। एंड इवन आप प्रॉबेबली जनवरी फरवरी में 8 to 10,000-15,000 rupees के बजट फ़ोन में भी वो लागू कर देंगे, तो पंच होल कैमरा इज़ द फ्यूचर, इज़ द वे फॉरवर्ड, तो वेरी इंटरेस्टिंग डिवाइसेस आने वाले हैं एंड वेरी हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। वैसे वीडियोस अगर आप देखना चाहते हैं न्यूज़ के रिलेटेड तो हिट दैट लाइक बटन, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। तो चलिए दोस्तों, मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एवरीवन, बाय बाय।